पचन संस्थाओं के विकारों का आत्मसम्मोहन से उपचार, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पचन संस्था का विकार, इसका मानसिक कनेक्शन है, ये मैंने अनेक वीडियो में पहले बताया हुआ है। पचन संस्था के विकारों में पेट में दर्द करना, पेट फूलना, मोशन पास नहीं होना, गैसेस ज़्यादा पास हो जाना, ढकार आना, बहुत अनकंफर्टेबल अनइजी फील हो जाना, डिस्टेंशन से ऐसे गैसेस भर से पेट ऐसा फूल जाना, लैट्रिन को ज़्यादा बार जाना पड़ना या लैट्रिन नहीं लगना, फिर सीने में ऐसा जलन हो जाना या पानी ऊपर ऊपर आना, मुँह में पानी आना, इतना मतलब खट्टा पानी आना, ढकार आना, हिचकी आना, खाने की इच्छा नहीं होना, ऐसे काफ़ी पाचन संस्था के विकार है। और फिर उसमें सब लोग सभी तरह का करके इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं, सब एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज, सोनोग्राफी एब्डोमेन की, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सब करने के बाद में भी कुछ भी मिलता नहीं है। हर डॉक्टर का रिपोर्ट रहता है कि कुछ मिला नहीं है, और ये मानसिक है। फिर वो लोग हमारे पास में आते रहते हैं, वो हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर उनको कुछ दवा देते, बोलते हमने दवा ली हुई है। और वैसा यदि आप बोलते कि अंदर कुछ भी खराबी नहीं, तो फिर दवा का क्या फ़ायदा, दवा क्यों लेना है। फिर उनको मैं हिप्नोथेरेपी देता हूँ, सम्मोहन उपचार देता हूँ। तो सम्मोहन उपचार में, जैसा मैंने पहले बताया कि सम्मोहन उपचार में हम उसको रिलैक्स करके बिठाते हैं, और रिलैक्स करके बिठा के उसको मतलब इजी चेयर में बिठाना, और फिर उसको सम्मोहन की सूचनाएँ हम देते रहते हैं। तो सम्मोहन की सूचना जो है, वो सूचना कौन सी, मैं आपको बताता हूँ। तुम जो रिलैक्स बैठा हुआ है और सम्मोहन की सूचना है, सम्मोहन मतलब सेल्फ हिप्नोसिस की सूचना है। तो मैं अभी ये सेशन चालू कर रहा हूँ, आप ये सेशन को गौर से सुनिए, और आंखें बंद करके आप ईयरफोन लगा के, यदि आपको ये विकार है तो आप ये ईयरफोन लगा के सूचनाएँ ले सकते हैं आंखें बंद करके इसी चेयर में बैठ के। इसमें मैं बार 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 तीन चीज़ें बताऊँगा। एक है स्लीप, मैं बार बार स्लीप ऐसा बोलूँगा, इसका मतलब ऐसी कल्पना करना है कि मैं मेरे घर में बेडरूम में मेरे गद्दे के ऊपर सोया हूँ, ऐसी कल्पना करना है। फिर बार बार मैं रिलैक्स ऐसा बोलूँगा, रिलैक्स का मतलब ऐसा होता है कि पूरा बदन ढीला करना, रिलैक्स करना, छोड़ देना। और फिर तीसरा शब्द मैं बार बार बोलूँगा, वो है डीप। डीप मतलब गहरा, या डीप मतलब अंधेरा। तो डीप आँखों के सामने बहुत अंधेरा अंधेरा छा रहा है, ऐसी कल्पना करने की है। तो आपको इसी चेयर में बैठने का है, हाथ ऐसे आप एक दूसरे में ऐसे फिक्स कर सकते हैं, उंगलियाँ, पैरों के पंजे भी आप ऐसे रख सकते हैं नीचे, और आंखें बंद करके आप बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं। आप ये ईयरफोन लगा दो और सुनते जाओ, अभी मैं चालू कर रहा हूँ प्रक्रिया। आपके दोनों पैर अभी आप रिलैक्स करो, दोनों पैर आपके रिलैक्स हो रहे हैं, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स 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 हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलकें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया,
पूरा सिर रिलैक्स करो, सिर रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, चेहरा रिलैक्स हो गया, पूरा बदन रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, शरीर रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो। मैं भी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होती जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में अभी हो, डीप 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 हो, आपके आंखों के सामने अंधेरा 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 छा गया है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में हैं। मैं भी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूँ, सुझाव देने जा रहा हूँ, वह सूचनाएं सुनना है और वह सूचनाएं अपने जीवन में अपने व्यवहार में लाने की है। जब जब आपके मन में पेट के बारे में, पाचन संस्था के बारे में बार बार के विचार आते जाएंगे, तब तक आप वो विचारों को बाजू में रखेंगे, वो विचारों को देखते जाएंगे, बाजू में रखेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे। आपके मन में जब जब बार बार पाचन संस्था के पेट के विकार विचार आ रहे हैं, तब तब आपको उसका एहसास होगा कि विचार फालतू के हैं, ये बार बार के पेट के बारे में विचार आ रहे हैं। वो विचारों को आप बाजू में रखेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे। जब जब आपके मन में बार बार के पेट के पाचन संस्था के विचार आते जाएंगे, तब तब आपको उसका एहसास होगा कि विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं। वो विचारों को आप बाजू में रखेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे। आप आपके अंतर्मन को शांत शांत और रिलैक्स रिलैक्स कर रहे हो और वैसे ही पाचन संस्था के पेट के हर नर को, हर स्नायु को एकदम रिलैक्स 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 छोड़ रहे हो, बहुत ही रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मुंह से लेके आखिरी तक, एनस तक, गुर्दा तक, पूरी जो पाचन संस्था है वो पाचन संस्था के हर एक नर, हर एक स्नायु, हर एक मसल को आप रिलैक्स 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 कर रहे हो। मुंह से लेके गुर्दा तक पाचन संस्था के हर पार्ट को, हर नर को, हर मसल को, हर एरिया को आप रिलैक्स 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 कर रहे हो। आपका ब्रेन रिलैक्स 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 हो रहा है, पूरा बदन आपका रिलैक्स 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 हो रहा है, पाचन संस्था पूरी रिलैक्स 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 है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स,
जबरदस्त रिलैक्स, बहुत पावरफुल, वेरी गुड। आपका मन रिलैक्स है, आपका तन रिलैक्स है, आपकी पाचन संस्था रिलैक्स है, आपके बदन का हर पार्ट और पार्ट पूरा रिलैक्स 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 है। आपके बदन का पार्ट और पार्ट, चेहरा, मुंह, सीना, पूरी पाचन संस्था, हाथ पैर, पूरा बदन रिलैक्स 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 हो चुका है। बहुत जबरदस्त, बहुत वंडरफुल। उसको एहसास करो, महसूस करो वो रिलैक्सेशन का, वो रिलैक्सेशन को महसूस करो कि पूरा बदन, पेट के पूरा पार्ट और पार्ट, पाचन संस्था का पूरा पार्ट रिलैक्स 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 हो चुका है। महसूस करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको 3 से 1 तक उल्टी गिनती करवाऊंगा। जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी, वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था धीरे धीरे खुल जाएगी और आपको जाग आ जाएगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। 3, आपकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है, आपको जाग आ रही है। 2, आपकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है, आपको जाग आ रही है। 1, आंखें खुल रही, बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, पूरी पाचन संस्था रिलैक्स है, पूरा पाचन हो चुका है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो इस तरह का सम्मोहन किया जाता है पाचन संस्था के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, और लोगों के प्रॉब्लम छूट सकते हैं बिना दवाई के। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।